हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सम्राट आज आपसे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा है एनिलिडा, बात समझ रहे हो एनिलिडा। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो कौन से आते हैं? केंचुआ और जोंक, केंचुआ और जोंक। अच्छा, केंचुए की बात आई है तो आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। केंचुआ, केंचुओं में, केंचुआ के एक ऐसा जी, एक ऐसा है, इसमें 14, इसके 14 क्या होते हैं? हृदय होते हैं, यानी 14 कोष्ठ होते हैं। इसको बोलते हैं, आते हैं कि केंचुए कितने कोष्ठ होते हैं, तो कितने होते हैं कोष्ठ नहीं चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं? 14 चैम्बर होते हैं। सबसे ज्यादा इसी के होते हैं, इससे ज्यादा किसी के नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा मुख्यतः में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। समझ रहे होगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहे हैं। ऑर्थोपोडा के ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मोलस्का, मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? जंतु या कीट आते हैं, तो कौन से? घोंगा और सीपी। किसकी बात कर रहे हैं? घोंगा और सीपी आते हैं। मोलस्का ग्रुप में, ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंगा और सीपी। अब आते बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो कौन से आते हैं? तारा मछली हो गया और बिटल स्टार। समझ रहे होगे आप लोग बात। आगे बात करते हैं मनुष्य के पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से होती है? मनुष्य की प्रारंभ की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से होती है। ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं? पेट से प्रारंभ होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पूछ रहे प्रारंभिक क्रिया, तो जब हम कुछ चीज खाते हैं तो स्टार्टिंग पचना अपने मुंह से ही होता है। आगे बात करते हैं सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। कौन सा होता है प्रवाहित? अशुद्ध रक्त। और शिराओं, अच्छा आगे बात करते हैं धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आगे की बात की हमने धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? वो कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। दिख रहा होगा आप लोग, समझ रहे होंगे कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मतलब। शुद्ध रक्त का मतलब और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कीचड़ मिला है या गंदगी है या मतलब धूल मिट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कैसा होता है? वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन ब्लय होता है तो वो शुद्ध रक्त कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन ब्लय नहीं होता है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो इतनी सी बात थी, आपको मैंने बता दी, और आपसे इसीलिए आपको हमेशा याद रहेगा कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है। अक्सर लोग बताया नहीं करते कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या फर्क है, क्या अंतर है, या एक्सेट्रा, आप लोग बात समझ लोगे। ठीक है, तो इसके साथ हम अगली वीडियो लाएंगे। मेरा बिना निवेदन है कि हम सिर्फ 6-6 या 7-7 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा, मतलब मेरा ऑप्शन मतलब ये है कि बच्चे मतलब लोग फालतू बैठे हैं तो कुछ नहीं, तो 6-7 क्वेश्चन ही अगर डेली के आप याद करते हो तो मंथ के कितने होते हैं 6×6=18, मतलब समझो 180 क्वेश्चन आप याद कर लेते हो। तो 180 क्वेश्चन अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो देख के याद कर लेते हो तो क्या दिक्कत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम करें। थैंक यू फ्रेंड्स।